एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। आप समझोगे, कोई आत्मा किसी को पानी में तिराती है तो आपको बता दूं कि लकड़ी में कोई आत्मा ही नहीं होता जो तिरती है। कई चीजें हैं जो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत होकर के पानी में तिरती है। कल हमने देखा कि मुर्दा तिरता है और जिंदा तिरता नहीं है। इसके पीछे हम तिर सकते हैं ये विश्वास की कमी। सफलता में हम पानी में चलने वाले व्यक्ति की तरह पूर्ण रूप से चमत्कारिक हो जाएंगे तो सफलता भी चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में आएगा। मैंने आपको बताया कि कुत्ते कंबा देख के पैर उठाते हैं, मकड़ी जाल बुनते हैं, छोड़ो वो तो प्राणी है। आपको ऐसे लगेगा कि ये तो अपने माँ बाप को देख के भी सीखे होंगे, उनके उसका बाप कुत्ता जो है कहीं जाके कंबा उठाया होगा, सीखा होगा। अब आपको एक बात पूछू तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आपने आपिल में कभी बीज की जगह कोई दूसरी चीज आ गई हो, चमड़े की जगह कोई दूसरी चीज आ गई हो, अंदर गुदे की जगह दूसरी चीज आ गई, देखी हो? हजारों सालों से आपिल के वृक्ष से बराबर वही आपिल आवे, उसी प्रकार से आवे, उसी चीजों को आवे, नारियल आवे, अंगूर आवे, इसके रस में, रुचि में, टेस्ट में, आकार में, रंग में, गुण में आपने कोई फर्क देखा है? आपिल आपिल ही होता है और सब आपिल उसी प्रकार के होते हैं। कुत्ता कुत्ता ही होता है, सब कुत्ते एक शरीर के नए को देख के भौंकते हैं, पुराने को देख के पूंछ हिलाते हैं, ये सब हैं। और दुनिया की हर चीज उसी गुण को रखती है। शेर देखो तो गर्जना करती है, हाथी चिंगाड़ती है, ये सब फिक्स करते हैं। तो एक जाति का पूरा स्वभाव और गुण वही तो होना चाहिए। इस धरती में किसी भी नारियल के पौधे को देखो, हमने उसमें अगर खुद दिमाग दौड़ा के मनुष्य ने छेड़छाड़ बहुत किए हैं और मनुष्य जो छेड़छाड़ कर रहा है प्रकृति से, यही छेड़छाड़ एक दिन भविष्य में उसके विनाश का कारण बनेगा। ये अलग टॉपिक है। अगर ये बोलने जाऊं तो इसके लिए मैं अलग एक चैनल में प्रवचन शुरू करूं, वो मुश्किल पड़ने वाला है। इसलिए आपको ये बता दूं कि हमने छेड़छाड़ करके हाइब्रिड अमरूद और हाइब्रिड टोमेटो लाए हो वो अलग बात, लेकिन प्रकृति से जो चीज आ रही है और आ रही थी वो चीज उसी रंग आकार रुचि वर्ण व्यवस्था की है। तो हर जाति में देखो एक समता और समानता है या नहीं, आप बताओ। कोई भी दुनिया की चीज देखो, पत्थर है तो पत्थर है, मिट्टी है तो मिट्टी है, पक्षी है तो पक्षी है, पंछी है तो पंछी है। अब देखो तो कोयल गीत गावे तो गावे ही गावे। अभी देखो कोई कोयल ऐसा हो जिसके जन्म लेने के बाद उसके माँ बाप का कोई किसी कारण से मृत्यु हो गया हो, कोई तूफान आदि से पेड़ गिर गया हो, वो पंछी मर गए हो, किसी से सीखने का उसको कोई मौका नहीं मिला हो, तो भी वो लता मंगेशकर ही बन के वो कोयल रहती है। तो हर प्राणी में एक समता है, वो हर काम को, शेर को देखो अरे मार देगी हम डर के भागते हैं, उसमें वो बल, वो पराक्रम, वो वीर्य भरपूर भरा होता है। शेर याने बल पराक्रम वीर्य का चिन्ह, हाथी याने मद और बल का चिन्ह, चूहा याने खोदने वाला कुतरने वाला कोई प्राणी, बिल्ली याने गुमसुम रहने वाला और अपने कार्य को पटाने में बड़ा जागरूक रहने वाला प्राणी। आप किसी भी प्राणी के बारे में एक अभिप्राय ले सकते हैं। अब मनुष्य को देखो तो पूरे विश्व में पूछो मनुष्य क्या बोल सकता है, चिंतन कर सकता है, विचारशील है, ऐसे सब आप कह सकते हैं। लेकिन आपने देखा कभी कि भाई एक शेर बड़ा संत बन गया, एक शेर चोर हो गया, एक शेर व्यापारी हो गया, एक शेर ऑफिस जाता है, एक हाथी ऑफिस जाता है। हम तो विचारशील तो हुए, लेकिन हमारा विचारशीलता से जो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भेद और तारतम्य आना था वो तो आया। मैं वो नहीं कहता, जो शक्ति की बात करता हूं मैं। आप देखिएगा मनुष्य जब से विचारशील हुआ उसमें बहुविधता प्रकट हुई, और जब बहुविधता प्रकट होती है तो किसी को इच्छा मैं आर्टिस्ट बनूं, किसी को इच्छा मैं डांसर बनूं, किसी को इच्छा है कि मैं कुछ बनूं, मैं किसी को इच्छा मैं कुछ बनूं, किसी को इच्छा मैं वैज्ञानिक बनूं, किसी को इच्छा पायलट बनूं, किसी को इच्छा है मैं कुछ बनूं, यह अलग बात। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, पशुओं में जैसे एक शक्ति का समानता है और समता है। पशुओं में कितने भी पशु देखो, प्राणी देखो, उनमें एक क्षमता है, उनकी शक्ति का जो लेवल है वो हर एक में समान रूप से प्रकट होता है। कोई भी लेवल है, शेर याने जितनी, एक शेर जितनी प्राणी को मार सकता है अगला शेर उतनी प्राणी को मार सकता है, हाथी जितने लोगों को पचाड़ सकता है दूसरा हाथी उस उम्र में, उस वजन में, उस आकार में रहेगा तो उतने लोगों को पचाड़ सकता है। मनुष्य की शक्ति किसी में एकदम
ज्यादा वो देखे तो एकदम विचार में बलवान, बोलने में बलवान, पाने में बलवान, एक दुर्बल कैसे है महाराज। अब हर प्राणी में उसकी शक्ति का प्राकट्य का स्तर एक समान है, यानी डिलीवरिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। डिलीवरिंग कैपेसिटी यानी 15 लीटर का पानी का मटका हो तो उसमें 15 लीटर पानी भरेगा, ये तो इनपुट कैपेसिटी हुई उसकी, अंदर लेने की कैपेसिटी। अब उसको बाहर डिलीवरिंग कैपेसिटी भी 15 लीटर का ही होना चाहिए ना, जब 15 लीटर पानी अंदर भरा है तो कितना पानी बाहर आने की संभावना है बताओ, कितना पानी बाहर आएगा, 15 लीटर ही आएगा। तो अब मनुष्य में किसी में 15 लीटर, ईश्वर में पानी भरी, सब में 15 लीटर बनी, लेकिन कोई 8 लीटर दे रहा है, कोई 2 लीटर दे रहा है, कोई 4 लीटर दे रहा है, कोई 1 लीटर दे रहा है, कोई पूरा 15 दे रहा है। सरसीवी रामन का पोस्टमार्टम ब्रेन टेस्टिंग हुआ, जो विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में नोबल पीस प्राइज प्राप्त वैज्ञानिक माने जाते हैं, हमारे बेंगलोर के सरसीवी रामन जी, उनका जो ब्रेन का टेस्ट हुआ तो मालूम पड़ा कि 0.04% ही उन्होंने ब्रेन का उपयोग किया। आपको बता दूं कि ये जिनको सर्वज्ञ कहते हैं, जिनको हम जैन धर्म वाले महावीर कहते हैं, पार्श्वनाथ कहते हैं, सब कुछ जानने वाले कहते हैं, वो कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने ये दिमाग के कोशों को पूर्ण रूप से खोला और पूर्ण उपयोग किया, जिनका 100% दिमाग का उपयोग हुआ वो सर्वज्ञ और सर्वज्ञानी हुए, जिनका महद अंशिक रूप से दिमाग का उपयोग हुआ वो वैज्ञानिक गणितज्ञ श्रेष्ठ लोग हुए, और जिनका अभी तक पूरा दिमाग मनोरंजन में, रिश्ते में, संसार में पड़ा है, वो हम जैसे संसारी प्राणी हुए हैं। अब आपको बता दूं कि इस दिमाग का उपयोग से हम अलग अलग स्तर में माने जाते हैं, लेकिन दिमाग तो सबका समान है। आपको ये बता दूं, थोड़ा आपको आनंद आए कि स्त्रियों के दिमाग से पुरुष के दिमाग का वजन ज्यादा है। अब इस बात को कहूं ने स्त्रियां क्या क्या करती है ये बताऊं तो दिमाग और जीवन से क्या संबंध है, आपको अच्छे से समझ आएगा, आप हंसने लगोगे, लेकिन अभी अपने को कॉमेडी शो नहीं करना है, इसलिए हम सीधे बात पर जाएंगे और हम ये समझेंगे कि हमारी जो जितनी भी जीव राशियां इस पृथ्वी में रहती है सब एक वर्ग का शक्ति का प्राकट्य स्तर एक समान होता है, तो मनुष्य में मात्र शक्ति का प्राकट्य स्तर विविध क्यों? अगर ये समझ आएगा तो हम विविध सफलता के स्वामी क्यों बने ये भी समझ आएगा। व्यक्ति के अंदर जितना विश्वास का स्तर होता है उतना वो सफलता को और शक्ति को प्रकट करता है, और पशुओं में विश्वास अविश्वास वाली बात ही नहीं होती है, और पशु पक्षियां अपने जीवन को मात्र प्राकृतिक रूप से जीते हैं इसलिए उनकी पूर्ण शक्ति प्रकट होती है। मनुष्य अपनी शक्ति को अपने संदेह के द्वारा, अपने डर के द्वारा, अपने विभिन्न विचारों के द्वारा, नकारात्मकता के द्वारा दबाता है, और जो दबाएगा वो दब के रहेगा, और जो चलेगा वो भाग के आगे जाएगा। इसीलिए हमसे भी पशु पक्षी प्राणी जगत के लोग 100% अपनी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। हम बुद्धि का उपयोग करके शेर को तो पिंजरे में डाल देते हैं, बुद्धि का उपयोग करके जाल में मछली को फंसा लेते हैं, उसी बुद्धि को उपयोग करके लक्ष्य को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। और लक्ष्य को लाने के लिए, सफलता को पाने के लिए विश्वास की पहली जरूरी है। अगर आप सीधी तरह से देखो, डॉक्टर क्या करता है, गोली दे के देखता है, भाई गोली देता हूँ भाई महाराज गोली लो। अब आप गोली से ठीक नहीं हुए तो एक इंजेक्शन देता है, अब इंजेक्शन के बाद भी अंदर का गांठ कोई गलता नहीं दिखता तो ऑपरेशन करता है कि नहीं? तो पहले मैं आपको सफलता क्या है बातों से समझाऊंगा। अब आप बातों की गोली से नहीं समझोगे तो विविध प्रकार के उपाय रूपी इंजेक्शन डालूंगा, नहीं तो मैं मेरी शक्ति का उपयोग करके आपका ऑपरेशन करके भी उस गांठ को निकाल के ही रहूंगा, चाबी सफलता की आपके हाथ में देके ही रहूंगा। किसी भी हालत में ये डॉक्टर ये बीमारी को आगे रहने देने वाला नहीं है, बीमारी को निकाल के ही रहना अब मेरा उद्देश्य बन गया है। प्रयोजन इतना ही है कि हम संत बने हैं तो एक बाप जैसे बेटे को संभाल लेता है, एक व्यापारी जैसे व्यापार को संभाल लेता है, एक राजनेता जैसे देश को संभाल लेता है, एक संत मानव समाज को संभाल लेते ही वो संत है। ये देख मेरे को तो ये है
कि कैसे भी आपको कोई भी प्रकार से गोली से इंजेक्शन से या सर्जरी से आपकी बीमारी निकाल के नहीं रहूं, तो आप देख लीजिएगा किसी भी हालत में बीमारी निकालेंगे और ये बीमारी को निकलने के बाद जो बचता है वो आरोग्य, जिसको हम सफलता कहते हैं। तो आपको मैंने कहा कि मकड़ी में हेरिडिटरी है मकड़ी जाल बनाने का, मछली में हेरिडिटरी है तैरने का, मनुष्य में हेरिडिटरी है सफल होने का। अगर वो हो नहीं रहा है मछली जैसे, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो रहा दिमाग से, वो कहीं ना कहीं दिमाग के कोशों में कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है। आप देखिएगा जब भी आप डरते हैं, आप जब भी कोई डर लगता है आपको, जब भी आपके अंदर कोई अविश्वास प्रकट होता है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्षमता कम पड़ती है। डर मात्र डर नहीं पैदा करती, उस समय आप चलने में ठंडे पड़ जाते हो और एकदम धीमे धीमे होते हो, एकदम घबराते हो। जब हिम्मत आती है तो आपका चाल ही अलग हो जाता है। शेर सदा हिम्मतवान रहता तो उसका चाल एक ही रहता, मनुष्य के विभिन्न विचारों से उसके चाल चलन सोच संस्कार सब में विविधता आती रहती है और वो विविधता उसको दुख देके ही रहती है। और जो शेर की तरह पूर्ण रूप से, क्या हमारा शेर की तरह बलवान करना चाहते हो, शेर की तरह बलवान, आप तो उसके भी बाप हो। शेर को भी पिंजरे में डालता हो वो क्या शेर से बलवान हो, वो तो शेर को भी पिंजरे में डालने वाला उसका बाप बलवान है। लेकिन शेर की तरह हम भी बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा। आपके अंदर भविष्य के प्रति कोई चिंता आ रही है, किसने कहा कि आपका भविष्य दुखमय होगा, कोई आकाशवाणी हुई, पहले ही बताया, देखा हमने कंस को तो आकाशवाणी हो गई कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, फिर तो उसका डरना एक वाजब है, क्योंकि ऊपर से एक अलग ही अशरीरी शरीर वाला बोले झूठ बोल सकता है, अशरीरी झूठ कैसे बोल सकता है, वो अशरीरी आवाज ने बता दिया तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका, फिर डरे तो हम तो अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कहीं कोई बच्चे तो खराब नहीं हो जाएंगे, भविष्य में मेरे घर में कोई बिगाड़ा तो नहीं हो जाएगा, मेरी पत्नी सही तो है, दुनिया भर की ये बातों में एक भी बात की गारंटी नहीं कि वैसे होना चाहिए, क्यों अच्छा ही होना है ये सोच ले तो क्या फर्क पड़े, लेकिन अच्छा होने की सोच कितने लोग सोचते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं जो उपाय बताऊं उसके पहले ये प्रवचन शुरू इसलिए क्या, पहले गोली दे दूं, फिर इंजेक्शन दे दूं, फिर सर्जरी करूं, किसी भी हालत में आपको ठीक करूं, लेकिन हम सफल कैसे कैसे होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, इसको थोड़ा कुछ प्रवचनों में समझ लेंगे। फिर मैं आपको रुद्राक्ष क्या काम करता है, उसके तरंग क्या काम करते हैं, आपको छोटी छोटी ऐसी चीजों भी बताऊंगा, आपको ये भी बता दूंगा घर बैठे आपको कोई सवाल है तो वो सवाल का जवाब घर बैठे आप दैविक रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हो, बड़े सरल उपाय से आपको बता दूंगा कि ये काम करो इससे आपको जवाब मिलेगा, वो ऐसे बता दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि पहले मेरी गोली से खुद ठीक हो, क्योंकि ये मनुष्य समाज में सबसे होना चाहिए ऐसा जनरल एक चेंज जरूरी है कि हम अपने विचारों से सुधरे, मेहनत से सुधरे, सोच समझ से सुधरे, वहीं कहीं अटके हुए हैं हम, किसी के पीछे ही पड़े हुए हैं, बस उसके पीछे पड़े हैं तो उसी के पीछे पड़ के हम हमारा समय ही बर्बाद करते हैं। अब हम देखते हैं कि मनुष्य को क्या क्या चीजें जुड़ के सफलता देती है और क्या क्या चीजें सफलता में बाधा करती है। अब सबसे पहले आप देखोगे तो व्यक्ति का स्वयं का गुण और स्वयं के विचार और स्वयं के संस्कार, ये सबसे पहले मायना रखता है। व्यक्ति कैसे पहनता है, आप लोग देखो किसी को नहीं जानते हो लेकिन कहीं ट्रेन में बस में फ्लाइट में जा रहे हो, पास में बैठे हुए व्यक्ति के कपड़े ढंग के नहीं हो और उसके बैठने का ढंग सही नहीं हो तो आप मुंह सिकोड़ के एकदम इस तरफ मुंह करते हो, जिसने में मालूम नहीं कि वो व्यक्ति कोई बड़ा ज्योतिष है कि बड़ा व्यापारी है, उद्योगपति है कि क्या है, आपको उसका नाम गांव स्थान रास्ता कुछ पता नहीं, लेकिन उसका ड्रेस सेंस देख के अरे ये थोड़ा अनाड़ी आदमी लग रहा है ऐसे सोचते हो। यानी व्यक्ति का रहन सहन विचार व्यवस्था सोच समझ उसकी जीवन शैली कितना सफलता में मायना रखता है, ये पहली बात है कि वो कैसा विचार करता है। क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ जैसे ही चार लोग इकट्ठे होंगे वो आ गया नालायक, वो आ गया गधेड़ा, वो आ गया ऐसे ऐसे दूसरों को एक अलग ही नाम दे दे के बुलाते रहते हैं और इनको मालूम नहीं है कि इतनी बार इसने उंगली उठाई तो तीन तीन उंगलियों के हिसाब से चार बार उसने सामने उंगली उठाई तो बारह बार इसने अपनी ऊपर उंगली उठा ली, तो
तो ऐसे लोग कभी सफल होंगे मुझे लगता नहीं, क्योंकि सफल होने के लिए सबसे पहले चाहिए पर निंदा के गुण से दूर रहने की योग्यता, वो अलग बात, मैं अभी योग्यताओं की बात करता हूं। तो ये बात याद आती है कि हम हमारे स्वयं में कितने ड्रेस सेंस्ड हैं। कई लोग देखिए खाते समय, मैं देखता हूं हमारे दक्षिण में खाने में अलग चीजें होती है, उत्तर में अलग। ये कार्यक्रम देखने वाले हिंदी वाले हैं वो हिंदी देखते हैं, लेकिन हमारे दक्षिण में खाने में चावल सांबार रसम ये सबसे ज्यादा रहता है। कई बार हम देखते हैं कि पत्ते लगे हो उसमें रसम चावल डाला हो, तो वो रसम और चावल को रसम पानी जैसा होता वो अलग ही निकलता, चावल अलग होता, तो निकल जाए इसलिए पहले तो वो अच्छे से इनको मस लेगा चावल को, और रसम चावल को ये करेगा, फिर जब वो हाथ में उठाएगा तो आप देखते हैं कि वो यूं खाएगा, वो रसम उस समय में ऐसे निकलने लगेगा, तो यहाँ से लेके वहां तक हाथ डालेगा जैसे लगेगा कि बहुत बड़े पोस्ट कवर को गम लगा के कोई चेपता हो, ऐसे रकड़ता रहेगा। अब इस व्यक्ति को देख के बाजू में बैठ के खाने वाला चार को और दूर भागेगा। तो सफलता में बहुत छोटी बात से लेके बहुत बड़ी बात तक काम आती है, लेकिन सबसे पहले सफलता की प्रथम सीढ़ी में आपके विचार, आपके कपड़ों की योग्यताएं, आपकी भोजन की योग्यता, और आप लोगों से मिलते हो तो आपके स्वभाव की योग्यता। मैं आपको बता दूं, आप पहले बराबर चेक करिएगा, जो भी सुन रहे हो चेक करिएगा, आप किसी गली में चल रहे हो, बड़े आराम से चल रहे हो, आप गली में बड़े आराम से जा रहे हो, अपनी मस्ती में जा रहे हो, आपको दिख गया आपके बहुत करीब आदरणीय रिश्ता वाला, जिस पर आप आदर रखते हैं, कोई खास रिश्ते वाला आपको देख रहा है, कहीं दूर खड़ा है और आपको देख रहा है, ये मालूम पड़ते ही आपके चाल चलन में थोड़ा विवेक और थोड़ा सा, पहले जैसे ऐसे ही बिल्कुल केयरलेस चल रहे थे, उसको देखने के बाद पैर सीधा रखने की कोशिश, एक रंग ढंग होगा कि नहीं, आप बताओ होगा कि नहीं। तो पहले ऐसे हाथ पैर मारते क्यों जा रहे थे, इसका अर्थ है कि आपके मन में आ गया है कि जो मैं आदर करता हूं उनके सामने मैं एक रहूंगा, जो मैं आदर नहीं करता हूं जिनको मैं जानता नहीं हूं उनके सामने मैं कैसा भी रहूंगा। आप ध्यान रखना, किसी के सामने आप कैसा भी रहूंगा ये सोच रखते हो तो वो आपको आदर देने वाले कभी नहीं बनेंगे, और गली में जाओ कोई भी व्यक्ति चलता हो आप वैसे ही चलते रहो जैसे आप किसी आदरणीय व्यक्ति के सामने रहते हो, उसी दिन से सफलता की प्रथम सीढ़ी में आप पैर रख दोगे, भले वो जानता आदमी हो कि अनजानता आदमी हो। आपकी जीवन शैली नहीं बदले तो मैं समझूंगा कि आप बहुत जागरूक हो। जागरूक आदमी किसी देखे हुए व्यक्ति के सामने ड्रामा नहीं करेगा, उसका पूरा जीवन ही रामचंद्र जी की नाटक की तरह ऐसा ड्रामा होगा कि वो देखते रह जाएगा। मैं कई लोगों को देखता हूं, मैं जब मंदिर में जाता हूं तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि मंदिर में क्या होता रहता है, मैं देखता ही रह जाता हूं मंदिर में क्या होता है। महाराज मंदिर में भी जैसे कोई रोड में जा रहा है तो रोड में जाते समय वो आदमी जैसे चलता, किसी को देखते ही बिल्कुल सीधा होता है, थोड़ा यूं स्टाइल से चलने की या डिसेंट से चलने की, पहले तो हाथ पैर मार रहा था अब एकदम डिसेंट से चलने की कोशिश करता। तो हमारे मंदिरों में क्या होता है महाराज, ये चीज मैं आपको कल बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा कि हम सफल होने के पहले हम हमारे जीवन में हर क्षण जागरूक रहना शुरू करते हैं। मेरा एक एक कदम फूंक फूंक के मैं रखता हूं, मेरा आंख कोई रहे या नहीं रहे उसी वस्तुओं से जुड़ी होती है जिन वस्तुओं में सफलता है। मेरा चाल चलन, भोजन, विवेक और मेरे पहराव, इन सब में हर दम एक जागृति रहती है। कई लोगों को मैं देखता हूं घर का दरवाजा खोलते हैं तो चड्डी पहन के खोलते हैं, जब बाहर जाते दिखते हैं तो कोट शूट पहन पहन के दिखते हैं, और एकदम चड्डी पहन के खोलते हैं दरवाजा और सामने एकदम आदर वाला व्यक्ति देखते ही शर्माने लगते हैं। ऐसे हजार घटना मैंने जीवन में देखी है, अब तुझे ये पहनना ही क्यों, शर्माना ही क्यों, भाई कपड़ा वही पहनना जो राजा महाराजा पहनते थे, पृथ्वीराज चौहान पहनते थे और राणा प्रताप सिंह पहनते थे, और रात में सोते समय गर्मी लगे। देखो जो व्यक्ति गर्मी लगती होती है तो भी फंक्शनों में कोट सूट बूट पहन के जा सकता है, भारत की जो वातावरण है क्लाइमेट है उसमें कोई कोट सूट की जरूरत है, फिर भी जो दुनिया को दिखाने नाटक करता है और घर में पट्टा पट्टी का चड्डी पहन के घूमता है वो सफलता के कभी शिखर पर नहीं पहुंच सकते। और पहुंचेंगे कैसे, और मंदिर में क्या होता है, हमारे कृष्णगिरी के मंदिर में क्या हो रहा है, कल हम देखेंगे ठीक रात 10 बजे हमारे प्रिय आदिनाथ चैनल।